तो भाई लोग, एक मूवी रिलीज हुई है जरा हटके जरा बचके, जो कि एक फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी ड्रामा मूवी है। और फन फैक्ट बताऊं, इस मूवी में कॉमेडी को छोड़कर सब कुछ है, ड्रामा भी है, फैमिली भी है, और बहुत हद तक ये मूवी फ्रेंडली भी है, लेकिन कॉमेडी वो नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी बिना कॉमेडी वाली मूवी का रिव्यू करेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस मूवी की छोटे में स्टोरी बताऊं, तो ये कहानी है एक इंदौर के मिडिल क्लास कपल की, जो कि शादी के बाद जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं। और जिस घर में वो रह रहे हैं, वो घर तो बहुत छोटा है लेकिन उसमें परिवार बहुत बड़ा है, जिसके बाद वो उस घर में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फिजिकली जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसे में उनको चाहिए अपना खुद का घर। तो वो क्या अपना घर बना पाते हैं या नहीं, यही सब हमको कॉमेडिक वे में दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद में अगर आपको मूवी के पॉजिटिव्स बताऊं, जो कि मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, सबसे पहले तो आप विक्की कौशल को ले सकते हो। बंदे ने सीरियस मोमेंट्स में जो एक्टिंग की है दिखाती है, लेकिन उनके सामने जो फीमेल लीड थी शाहरा अली खान, पर खैर उन पर नेगेटिव्स में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे विक्की कौशल पर, तो उन्होंने भाई कॉमेडी सीन्स और सीरियस सीन्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन जब डायलॉग्स ही अच्छे नहीं लिखे हुए हैं तो वो ही क्या कर लेते हैं। इसके अलावा मूवी में जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग हैं और उनके एक्टरों ने भी अपना अच्छा दिया है। इसके अलावा मूवी में गाने भी हैं और सभी के सभी अच्छे हैं, सुनने लायक हैं, और बीजीएम कुछ खास नहीं है, और जो मेरे को इसमें अच्छा लगा वो यही है। इसके बाद अगर हम मूवी के नेगेटिव्स की बात करें तो भाई भरमार है। सबसे पहले मेन लीड एक्ट्रेस से शुरू करते हैं, शाहरा अली खान। क्या क्रिंजी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, मतलब पहले आप ये देखो, चौक पे सिर्फ बाल खोल के झटक दूंगी ना, घुटनों के बल चल क्या लौंडे तेरे जैसे। भाई क्या है ये। और भाई सीरियसली, सबसे पहले तो मेरे को ये किसी भी एंगल से मूवी में मिडिल क्लास तो लगती नहीं। इन्होंने जो इमोशनल सीन में एक्टिंग के नाम पर हगाए ना, क्या बोलू बस। इसके बाद अगर मूवी की कॉमेडी पर बात करें तो नहीं भाई, इसको मैं कॉमेडी तो नहीं कहूंगा। मूवी की कॉमेडी को देखकर ऐसा लगता है कि भाई लिखने वाले ने लिखते टाइम तो ये सोचा होगा कि ये आग लगा देगा, लेकिन वो स्क्रीन पर आते आते वो आग बुझकर ठंडी भी हो गई, क्योंकि मूवी में बहुत ज्यादा सिचुएशनल कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है। जैसे कि इस मूवी में एक लॉयर का कैरेक्टर है, जो कि भाई चीख चीख के पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा था, चीखने से कॉमेडी होती तो मैं भी चीख चीख के बोलने लगूंगा, सब हंसेंगे। हग दिया। इसके अलावा मूवी में कुछ क्रिंजी डायलॉग्स भी हैं, तो मूवी की कॉमेडी बहुत ज्यादा फोर्स है, ऐसे आपको लगता है कि ये जबरदस्ती आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई ऑनेस्टली मैंने इस मूवी को एंजॉय करने की बहुत कोशिश की, कुछ भी डायलॉग पर हंसने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। और हम लोग मूवीज क्यों देखते हैं, ताकि हम एंटरटेन हो सके, अपने स्ट्रेस को कम कर सके, थोड़ा एंजॉय कर सके, स्पेशली कॉमेडी मूवीज तो इसलिए कि थोड़ा हंस सके। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो इस मूवी को देखते देखते भाई मैं थक गया था, सर दर्द करने लगा था, लेकिन पूरी देखनी पड़ी क्योंकि ये वीडियो जो बनानी थी। और आपको एक फन फैक्ट और बताऊं, मूवी कॉमेडी मूवी है लेकिन इसके बेस्ट पार्ट्स इसके सीरियस मोमेंट्स हैं। जब मूवी थोड़ी सीरियस होती है तो मेरा मूवी में थोड़ा इंटरेस्ट बना था, लेकिन उससे पहले तो भाई कुछ भी चल रहा था। तो ओवरऑल जरा हट के जरा बच के मूवी एक बिलो एवरेज मूवी है, जिसको कि मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि अगर आप विक्की कौशल के बहुत बड़े वाले फैन हो तो भाई जा करके देख सकते हो। फैमिली के साथ कुछ भी देखना है, टाइम पास करना है, पॉपकॉर्न खाते हुए तो चेकआउट कर सकते हो। और जाते जाते एक फन फैक्ट और बता देता हूँ, मूवी का नाम मूवी को डिस्क्राइब करता है, लेकिन इस मूवी का नाम ये डिस्क्राइब करता है कि आपको ये पिक्चर देखनी है या नहीं। जरा हटके जरा बचके मूवी से रहना, विच मीन्स कि मूवी से दूरी बनाए रखना। और इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।